मौसम की मार का असर सोयाबीन की फसल पर ऐसा पड़ा कि कृषि मंत्री कमल पटेल के हरदा में भी किसान संकट में आ गए हैं। हरदा में फसल इस कदर बर्बाद हुई है कि किसानों ने सोयाबीन की फसलों को भेड़ों के झुंड के हवाले कर दिया है। हरदा में पहले बारिश की कमी से खराब हुई सोयाबीन उड़द की फसल ने पानी मिलते ही जैसे तैसे बढ़त की तो फसल पीला मोजेक रोग की चपेट में आ गई। किसानों ने किसी तरह इस पर काबू पाया तो अज्ञात बीमारी से फसल मुरझाकर सूखने लगी। इस स्थिति में किसानों को अब उत्पादन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। परेशान किसान फसल को मवेशियों के हवाले करने लगे हैं। भुवनखेड़ी गांव में कई किसानों ने सोयाबीन और उड़द की फसल को भेड़ों के झुंड के हवाले कर दिया। गांव के किसान ओम केरवार ने बताया कि उन्होंने 5 एकड़ में सोयाबीन फसल बोई थी। फसल पूरी तरह खराब होने से उसे मवेशियों के हवाले किया गया है। किसानों ने फसल का सर्वे कराकर राहत राशि प्रदान करने की मांग प्रशासन से की है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।